ये स्पेशल तरीके से तैयार होगी। एक गर्मी ज़्यादा है तो ये 2 टेबल स्पून आपने इस तरह करके छिलका उतार लेना है इसका, तो आपने ऐसे छिलका उतारते रहना है, ऐसे जूम कर लेना है। ये भी इस तरह करके टक लगाएंगे हम लोग, आपने ऐसे टक लगा लेने हैं छोटे छोटे, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे। अब ऐसे आपने इसको कट कर लेना है, फिर आपने इस तरह ऐसे कट टक, फिर एक और लगा लें मिशक, इधर एक और लगा लें, तो आप लोग ऐसे टक लगा लेंगे ऐसे। आपने हाथ पे छुरी नहीं लगा लेनी, स्लो स्लो करके ऐसे करना है, बहुत ज़बरदस्त ऐसे इधर टक लगा लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम लोग मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं, तो मेरे पास 1 kg खालस दूध है घर का, तो ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने 1 kg दूध ऐड कर दिया इसके अंदर, और 1 kg के अंदर आप मैंने 6 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके साथ ही मैं इतना अपना मैंगो कट किया हुआ ऐड कर दूंगा। अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे हम लोग, और इसको करेंगे 4 मिनट। अभी मैंगो जूस बना रहा हूँ, बड़ा स्पेशल तरीके से बन रहा है, तो इसके अंदर मैं आइसक्रीम लाजमी ऐड करता होता हूँ। तो ये मेरी है आइसक्रीम, मैंगो जूस, मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम है, तो ये मैं अपने मैंगो जूस के अंदर ऐड करूँगा। ये मैं 3 टेबल स्पून ऐड करूँगा इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेशल तरीके से तैयार होगी। एक गर्मी ज़्यादा है तो ये 2 टेबल स्पून और इसी तरह 1 टेबल स्पून और ऐड कर देंगे। ये सबसे मज़ेदार और टेस्टी बनेगा इससे ना। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, फिर अब इसको हम लोग अच्छे वाला फिर ग्राइंड करेंगे। अब हम लोग बर्फ ऐड करेंगे, तो ठंडा करना है, तो बर्फ हम हसबे जितना ठंडा करना है उस हिसाब से ऐड कर लेंगे, तो मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, तो मैं बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऐड कर रहा हूँ। अब इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इतना थिक तैयार हुआ है ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है मेरा जूस।